अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे DD7 और DD8 के बारे में कि इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है और DD8 में क्या क्या न्यू फ्यूचर है और क्या DD7 की तरह DD8 चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो DD8 पे अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले ही बना दिया था, लेकिन आज चलते हैं, आज इसका कंपैरिजन करते हैं किस में कौन कौन सा फ्यूचर है और किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास DD7 और DD8 आप देख सकते हैं, तो बॉक्स को हम साइड में रखते हैं और DD8, तो आप देख सकते हैं दोनों डीले हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों को मैंने सामने रखा ताकि आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकें कि किस में कौन कौन सा फ्यूचर है। तो इसमें आप देख सकते हैं इको लेवल फीडबैक डीले टाइम बॉस के हर डीले की तरह, और यहाँ पे 7 मोड्स दिए गए हैं जो कि हमें 800 ms मोड यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हम DD8 की बात करें तो यहाँ पे इको लेवल फीडबैक डीले टाइम ये सब सेम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नए नए मोड्स दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मोड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम इसे स्टैंडर्ड मोड पे रख के नासिब पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से DD7 में 800 ms का मोड होता है उसी तरह सेम मैंने आपको पढ़ के भी बताया था और अभी आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूं मैं। तो स्टैंडर्ड मोड पे रख के आप नाशिप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से, और इसके अलावा आप सबसे नीचे मोड वाले ऑप्शन पे भी रख के नाशिप पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा इस पे भी रख के आप नाशिप पढ़ सकते हैं। और बाकी कई फ्यूचर्स हैं जो कि गिटार वगैरह में यूज़ होते हैं, तो हमें बेसिकली स्टैंडर्ड मोड पर रख के नाशिप पढ़ना होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि DD8 में, DD6 में, DD3 में 800 ms का मोड है और DD8 में 800 ms का मोड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड मोड पे रख के आप नाशिप पढ़ सकते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है और आगे आपको नाशिप पढ़ के भी दिखाऊंगा इसमें। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी बॉडी सेम है साइड से, जिस तरीके से DD7 में 2 इनपुट 2 आउटपुट दिया गया है और एक टेम्पो पैडल लगाने के लिए अलग से सॉकेट दिया गया है जिसका यूज़ हमें नहीं करना है, जो कि हमारे काम का नहीं है। और इसमें भी देख लेते हैं 2 इनपुट 2 आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आप टेम्पो का पैडल लगाने के लिए अलग से सॉकेट देख सकते हैं जो कि हमारे काम का नहीं है, और पैडल भी इस तरह प्रेस कर सकते हैं सेम। और इसमें कलर में थोड़ा सा फ़र्क है, इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का है और इसका कलर थोड़ा सा डार्क है यहाँ पे। और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया फ्यूचर दिया गया है DD8 में, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस बटन से आप DD8 की जो अंदर बैटरी लगी होती है उसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप एडेप्टर लगा के पढ़ेंगे तो इस पर ऑन ही रहेगा, और ऑफ़ करके भी एडेप्टर से नाशिप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आप इसे जब प्रेस कर देंगे तो तुरंत ये इको बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑन वाले बटन पे रखना है ताकि जब भी आप नाशिप पढ़ते पढ़ते पैडल को प्रेस करके बंद करें इको को, तो तुरंत से बंद ना हो, धीरे से इफ़ेक्ट जिस तरीके से नीचे आता है उस तरीके से आएगा। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमारी बैटरी इसमें लगी रहती है तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जब तक आप अपना माइक वाला जैक इनपुट नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर लाइट नहीं जलती है, यानी कि इसकी बैटरी यूज़ होना स्टार्ट नहीं होती है। जब आप इसमें अपना जैक लगाते हैं, कोई भी डीले हो या DD6 या DD7 या DD8 या DD3 भी हो, उसमें भी इस तरीके से ऑप्शन होता है, तो आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी अगर आपने माइक नहीं लगाया इसमें तो, और अगर आपने माइक लगाया है तो आपकी बैटरी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, चाहे आपने पैडल प्रेस करके बंद कर दिया हो तब भी बैटरी यूज़ होती रहती है। तो ये थी कुछ इसकी मेन हाइलाइट्स जो कि मैंने आपको बताई। और इसके अलावा DD8 में वोकल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, DD7 में मुझे थोड़ा सा बेस ज़्यादा लगता है, और DD8 में मैंने चेक किया है तो इसमें बेस थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी कि बेस ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है हम नातखानों के लिए, क्योंकि नातखानी में बेस की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल कम बेस रखना होता है हमें। और इसके अलावा यहाँ पर डीले टाइम का जो बटन दिया गया है जिस तरीके से DD7 में भी है, तो डीले टाइम के बटन में थोड़ा सा फ़र्क आता है यहाँ पे सेटिंग करने में, यानी कि अगर आप DD7 को सीधा रख के सेटिंग कर रहे हैं किसी सेटिंग पे मान लीजिए, तो DD8 में आपको थोड़ा सा इतना रखना पड़ेगा, यानी कि 1-2 mm का फ़र्क रखना पड़ेगा,
यानी कि 1-2 mm डीले ज़्यादा रखेगा। बस इतना ही फ़र्क है इसमें और कोई डिफरेंट नहीं है। अभी मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। मैंने अपना माइक यहाँ पे लगाया है और यहाँ से होते हुए मैंने DD8 में कनेक्ट किया है, फिर DD8 से मैंने आउटपुट निकाल के मिक्सर में दिया है अपने। तो आप चाहे जिस तरीके से भी इसको लगाएंगे सेम इफ़ेक्ट आएगा, या फिर DD8 को इधर करेंगे या DD7 को इधर करेंगे सेम इफ़ेक्ट आएगा। तो चलिए मैं एक एक को सेट करके आपके सामने दिखाता हूँ। और मैं इस वॉइस को एडिट भी नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ नॉइस रिमूव करूँगा, कोई भी एडिट नहीं करूँगा मैं इसकी वॉइस में। तो दोस्तों मैंने इन दोनों को एक सेटिंग पे सेट कर दिया है, यानी कि डीले टाइम यहाँ पे रखा है और फीडबैक यहाँ पे रखा है मैंने, और इको लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है DD7 में, और DD8 में आप देख सकते हैं इको लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है जिस तरीके से मैंने DD7 में रखा है, और फीडबैक को सेम DD7 की तरह रखा है, और डीले टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट आता है इसमें। यहाँ पे मैंने करीबन 1 या 2 mm थोड़ा सा ज़्यादा करके रखा है, और यही डिफरेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसको स्टैंडर्ड मोड पे रखा है DD8 को, और DD7 में यहाँ पे 800 ms के मोड पे रखा हुआ है। दोनों में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी लाइट जलेगी यानी कि उसका डीले ऑन है, और जिसकी लाइट बंद है यानी कि उसका डीले बंद है। तो सबसे पहले मैं DD7 में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट है, और आप देख सकते हैं दोनों सेम है। मुज़दाबाद आसियों, मुज़दाबाद आसियों, शाह शहबरार है तहनियत ए मुजरिमो, तहनियत ए मुजरिमो, ज़ाते खुदा गफ़ार है। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। तो चलिए मैं DD8 में भी यही कलाम सेम पढ़ के दिखाता हूँ आपको। तो इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बेस मैंने ज़्यादा बताया है और इसमें थोड़ा सा कम है, तो ये भी आप डिफरेंट देख सकते हैं। मुज़दाबाद आसियों, शाफे शहे अबरार है तहनियत ए मुजरिमो, तहनियत ए मुजरिमो, ज़ाते खुदा गफ़ार है। तहनियत ए मुजरिमो, ज़ाते खुदा गफ़ार है। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। बारकल्ला मर जाए आलम, यही सरकार है। बारकल्ला मर जाए आलम, यही सरकार है। बारकल्ला मर जाए आलम, यही सरकार है। मुज़दाबाद आसियों, शाफे शहे अबरार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम इफ़ेक्ट है, कोई भी डीले में फ़र्क नहीं है। बस मैंने जैसा कि बताया थोड़ा सा सेटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि आप मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए मैं एक सेटिंग और करके दिखाता हूँ आपको। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूँ, रख लूँ आ, दिल में तुझे
रख लूं ऐ जल वाए जाना, दिल में तुझे रख लूं। डीडीएट में इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो तुम सा मने आ जाना, जब जान लबों पर हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि दोनों DD8 और DD7 दोनों इफ़ेक्ट में सेम है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टैंडर्ड मोड पे रखें या फिर 800 ms के मोड पे रखें। तो जो भी डिले आपको मिल रहा हो फ़िलहाल के लिए आप वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि DD8 में आप ना शेव नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि यहाँ बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।